हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अपनी वेबसाइट में आर्टिकल के लिए कौन कौन से कीवर्ड पे हम आर्टिकल लिख सकते हैं और रैंक कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि बहुत लोग बहुत अच्छा आर्टिकल भी लिखते हैं अपनी वेबसाइट में और बहुत समय से मेहनत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट ना मिलने का अर्थ यही है कि आप सही कीवर्ड नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि हमें वॉल्यूम तो काफी हाई दिखता है, काफी 1 मिलियन 2 मिलियन का वॉल्यूम दिखता है, लेकिन उसकी डिफिकल्टी उतनी ही ज्यादा हार्ड होती है, जिस वजह से हम कभी उस कीवर्ड पे रैंक नहीं कर पाते और हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ पाता है। तो इसी को देखते हुए आज हम आप लोगों के लिए 5 ऐसे कीवर्ड लेकर आए हैं जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं और लिख कर अच्छा खासा रैंक कर सकते हैं। हालांकि उसका वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, बहुत कम वॉल्यूम है, लेकिन इन कीवर्ड के ऊपर ज्यादा लोगों ने आर्टिकल नहीं लिखा है, या फिर कह सकते हैं ना के बराबर लोगों ने आर्टिकल लिखा है। तो इन कीवर्ड के ऊपर आप आर्टिकल लिख के अच्छा खासा रैंक कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए हम पहले कीवर्ड के ऊपर चलते हैं, जो कि पहला कीवर्ड है हमारा कुमकुम भाग्य। कुमकुम भाग्य दोस्तों एक टीवी सीरियल है। पहले हम इसे सर्च कर लेते हैं, देखते हैं इसका क्या वॉल्यूम है और कितनी डिफिकल्टी है इस कीवर्ड की। कुमकुम भाग्य, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुमकुम भाग्य का ये जो कीवर्ड है इसकी डिफिकल्टी बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल जीरो मतलब इसके ऊपर किसी ने भी आर्टिकल नहीं लिखा है। जो टॉप पे वेबसाइट रैंक कर रही है वो जी टीवी की ही वेबसाइट है, जो कि इस सीरियल को चलाती है टीवी पर। तो यही वेबसाइट एक है जो कि इसमें रैंक कर रही है। इसके अलावा कोई और वेबसाइट इस पे रैंक नहीं कर रही है। आप नीचे भी देख सकते हैं, ये एक यूट्यूब, ये पहली जी टीवी हो गई, जी टीवी के बाद विकीपीडिया है, विकीपीडिया के बाद सारी यूट्यूब चैनल आ रहे हैं। ये देखिए सारे के सारे यूट्यूब चैनल। अभी देखिए होता क्या है कि यूट्यूब गूगल को कोई, अगर हम कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं गूगल पर, तो गूगल को अपना टॉप 10 जो रिजल्ट होता है वो कुछ ना कुछ तो उसे दिखाना ही पड़ता है। तो अगर उसके पास आर्टिकल नहीं होगा तो वो यूट्यूब वीडियोस दिखाना शुरू कर देता है। आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे कोई कोई किसी ने आर्टिकल नहीं लिखा है तो ये विकिपीडिया ले लिया और जो उसकी मेन वेबसाइट है इसका एपिसोड वो दे दिया। ठीक, वो भी ये भी एक वीडियो ही है ना कि ये आर्टिकल है, वीडियो है। और उसके बाद सिर्फ विकिपीडिया में भी आर्टिकल लिखा गया है, उसके बाद सारे यूट्यूब चैनल है। अब ये यूट्यूब चैनल मतलब कि गूगल के पास आर्टिकल नहीं है, इस वजह से उसने यहाँ पर यूट्यूब वीडियो शो कर रहा है। तो आप इसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं। और इसके साथ ही आप अगर आपके पास एचरेफ है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं ये सारे कीवर्ड आइडियाज, मतलब इसी से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, इसी से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं। और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप Q&A में डाल सकते हैं। Q&A में डाल के आप यहाँ पे से भी ट्रैफिक पा सकते हैं अच्छा खासा, 600, 300, 250, 200, 150, इस तरह के यहाँ पे वॉल्यूम है। और यहाँ पे आप सर्च इसकी वजह से आपको ट्रैफिक आ सकता है। और ये हमारा कीवर्ड खुल रहा है, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर हम दिखाते हैं कि आपको कहाँ कहाँ से कीवर्ड, कौन कौन से कीवर्ड लेने हैं। अभी देखिए ये कुमकुम भाग्य तो आप कीवर्ड लेंगे ही, क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक हो, मेन कीवर्ड हो जाएगा मेन की। और ये इसकी KD बिल्कुल जीरो। अब यहाँ से आप यहाँ तक पूरा देख सकते हैं, सबकी 0101 01 12 है, बाकी सबकी 0101 01 चल रही है। तो इन सारे कीवर्ड को, इन सारे पैरेंट कीवर्ड को आप ले सकते हैं अपने आर्टिकल में, और इस जगह से आपको ट्रैफिक तो मिलेगा ही मिलेगा कुमकुम भाग्य वाले कीवर्ड से। इसके साथ ही इन सभी पैरेंट कीवर्ड की मदद से भी आपको अच्छा ट्रैफिक आएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम दूसरे कीवर्ड की तरफ चलते हैं, जो कि दूसरा कीवर्ड है हमारा पासपोर्ट। पासपोर्ट हालांकि पासपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों ने आर्टिकल लिख रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको ये पासपोर्ट के ऊपर आर्टिकल नहीं लिखना। आपको पासपोर्ट के पेरेंट कीवर्ड, जैसे वो कीवर्ड आइडिया यहाँ पे जो शो कर रहा है, वो पेरेंट कीवर्ड के ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है। अब हम इसके ऊपर न्यू टैब पे ओपन करते हैं। इसको न्यू टैब पे ओपन करने के बाद हम ये देखते हैं कि इसके पेरेंट कीवर्ड कौन कौन से हैं।
और उसकी डिफिकल्टी और वॉल्यूम क्या क्या है, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब वेट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी हाई 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 है, हाई है, हाई है। अभी एक है 11, 11 केडी है, जो कि बहुत इजी इजी में एचएफ इसको ऐड करता है। पासपोर्ट सेवा केंद्र, पासपोर्ट सेवा केंद्र के ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र क्या होता है, यहाँ पे क्या काम होता है पासपोर्ट बनवाने के लिए, यहाँ पे सारी चीज़ें क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें हैं। और पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि उसके जब हम लोग कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं या फिर हम कभी कैमरा वाले के पास जाते हैं फोटो शूट करवाने की, हमारी भाई पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक कर दीजिए, तो उसके ऊपर भी आर्टिकल यहाँ पे से लिख सकते हैं। और जिसकी डिफिकल्टी यहाँ पे लो है, यहाँ पे आपको देखना है इस लाइन पे, तो जिसकी डिफिकल्टी आपकी 10 से कम है, अगर आपकी न्यू वेबसाइट है तो 10 से अगर जिसकी डिफिकल्टी कम है, वहां पे आप आर्टिकल उस कीवर्ड के ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साथ है, देखिए इसके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं यहाँ पे इसके। तो इसी तरह से आप सर्च कर सकते हैं एचरेफ। एचरेफ अगर आपको सस्ते में 80 रुपये में एक महीने के लिए चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से खरीद सकते हैं। अब हम देर ना करते हुए दूसरे कीवर्ड की तरफ चलते हैं, सॉरी तीसरे कीवर्ड की ओर। तीसरे कीवर्ड का वॉल्यूम ज्यादा नहीं है। टूरिस्ट प्लेस, टूरिस्ट PLACES, टूरिस्ट प्लेसेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम 14,000 है, मतलब 14K, 14K, और इसका CPC अब काफी अच्छा है, 50 सेंट्स। ठीक, अभी यहाँ पे ये मीडियम है, ठीक है, आप इसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं। थोड़ी समय बाद, जैसे आपकी अगर वेबसाइट नई है तो थोड़े समय बाद आपकी वेबसाइट आपका ये आर्टिकल रैंक करेगा, लेकिन करेगा, मीडियम है तो करेगा 100%। आपको थोड़ी बहुत बैकलिंक बनानी पड़ेगी, जबकि एचआरएफ बोल रहा है कि 27 वेबसाइट से आपको, 27 अलग अलग वेबसाइट से आपको बैकलिंक लेने की जरूरत है, तभी आप जो है टॉप 10 पेज पे रैंक कर सकते हैं। तो 27 वेबसाइट से आप बैकलिंक ले सकते हैं आप चाहें तो। इसके साथ ही आपको ये इसके पेरेंट कीवर्ड को भी ध्यान में रखकर आर्टिकल लिखना है। आपको जब ये आर्टिकल इस कीवर्ड टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर आर्टिकल लिखेंगे, तो इसके साथ ही आपको ये सभी कीवर्ड को, जैसे टूरिस्ट प्लेस नियर मी, टूरिस्ट प्लेस इन इंडिया, टूरिस्ट प्लेसेस, इस तरह के पेरेंट कीवर्ड के ऊपर भी आपको आर्टिकल लिखना है। थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको खोलने देते हैं। अभी देखिए ये सारे जो है पेरेंट कीवर्ड हैं उसके, टूरिस्ट प्लेसेस के। अब इन सारे जो जिसका जिसका डिफिकल्टी 10 से कम है या फिर 10 है, उसके ऊपर भी आप आर्टिकल लिख सकते हैं। 24 या 34 27, ये सारे में मत जाइएगा, इसको रैंक करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा समय के बाद करेगा, जब आपकी वेबसाइट थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी तब करेगा। लेकिन आपको इंस्टेंट तुरंत, मतलब 1-2 महीने में अगर ट्राफिक चाहिए, तो आप लोग 10 KD कीवर्ड डिफिकल्टी 10 में, 10 के अंदर आप आर्टिकल लिख सकते हैं, आपकी 100% वेबसाइट 1 से 2 महीने में रैंक कर जाएगी। जहां जहां पे आपको 10 से कम डिफिकल्टी मिल रही है, वहां उस कीवर्ड को आप सिलेक्ट कर लीजिए, एक नोटपैड में लिख लीजिए। लिखने के बाद फिर जब आप आर्टिकल लिखेंगे टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर, तो उन सभी कीवर्ड को आप अपने आर्टिकल में इन्वॉल्व करेंगे, देन आपको अच्छा ट्रैफिक आएगा। इसकी सीपीसी भी आप यहां से देख सकते हैं, अच्छी खासी 35 सेंट्स, 10 सेंट्स, 50 सेंट्स, 0.3 सेंट्स, इस तरह की सीपीसी मिल रही है, बहुत अच्छी है। अभी चलिए हम समय ना गवाते हुए हम अपने चौथे कीवर्ड की तरफ चलते हैं। चौथे कीवर्ड की तरफ हम जब चलेंगे, तो हमारा चौथा कीवर्ड है सोशल मीडिया इन इन हिंदी, सॉरी सोशल इन हिंदी। ठीक, अब इसको सर्च करते हैं, इसका देखते हैं डिफिकल्टी और वॉल्यूम। सॉरी सॉरी, इस पेज में थोड़ी मिस्टेक हो गई, SOCIAL होगा, AL, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो थोड़ा सा सर्च में दिक्कत होती है। एचरेफ है, मशीन ही तो है। तो
तो चलिए यहाँ पर 1000 की वॉल्यूम है, 13 इसका कीवर्ड डिफिकल्टी है। ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर आर्टिकल नहीं लिखा है, आप चाहें तो यहाँ से इसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं। और यहाँ से आपको ऑल्सो रैंक फॉर, मतलब इन सभी के ऊपर भी लोग काम कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे दिखाता है। तो इन सभी के ऊपर ये पैरेंट कीवर्ड है, यहाँ इसको आप सर्च कर, इसके ऊपर अभी आप आर्टिकल लिख सकते हैं इन सभी। और ये जो कीवर्ड आइडिया है, तो इस यहाँ पे से भी आप कीवर्ड को उठाइए और अपने आर्टिकल में, जैसे ये सोशल मीडिया इन हिंदी, तो इन सभी कीवर्ड को आप अपने आर्टिकल में इन्वॉल्व करेंगे तो इन सभी जगह से भी आपको ट्रैफिक आएगा। तो चलिए अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। लास्ट टॉपिक की तरफ अगर हम चलें और देखें कि क्या है वो टॉपिक, तो वाटर पॉल्यूशन इन हिंदी, इन हिंदी हम ऐसे ही रहने देते हैं और सोशल मीडिया को हटा के यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन लिखते हैं। वाटर पॉल्यूशन इन हिंदी। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी वॉल्यूम और कीडी कितनी है। यहाँ पे आप इसकी वॉल्यूम देख सकते हैं, बहुत कम है, लेकिन वॉल्यूम के ऊपर मत जाइए। यहाँ पे इसकी वॉल्यूम अगर कम है तो आप सीपीसी देखिए, सीपीसी $2 की मिल रही है इसकी, जो कि वाटर पोल्यूशन इन हिंदी। बहुत से कीवर्ड ऐसे हैं जो $2 सीपीसी नहीं दे पाते हैं, लेकिन यहाँ पे $2 की सीपीसी मिल रही है और आप इजीली रैंक कर सकते हैं। सिर्फ दो वेबसाइट, एचआरएफ बोल रहा है कि सिर्फ दो वेबसाइट से आपको बैकलिंक लेने की जरूरत है अपने उस पेज पर, इस आर्टिकल पर, और आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा। हालांकि 1.5 हज़ार 1.2K ट्रैफिक कम नहीं होता है, लेकिन आपको अगर 1.2K ट्रैफिक आ रहा है, उसमें से अगर आपको 10 लोग भी क्लिक कर रहे हैं आपके उस आर्टिकल के ऐड पर, तो आपको सीधे सीधे $2 की सीपीसी मिल रही है। मतलब एक क्लिक पर $2 आपके बन जाएंगे। अगर 10 लोग क्लिक करते हैं तो सोच सकते हैं आप लोगों को कि कितना आपको रिवेन्यू जनरेट होने वाला है। इसके साथ ही आप ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चन आप अपने वहां पे डाल सकते हैं Q&A में। इसके साथ ही आप यहाँ पे कीवर्ड आइडिया में यहाँ पे आप सब पूरा खोल के इसको देख सकते हैं। देखिए, और सॉरी, मेरी एचरेफ की लिमिट पूरी हो गई है, मेरी एचरेफ की लिमिट पूरी हो गई है। देन तो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से आप कैसे आर्टिकल इन सारे कीवर्ड पर लिख सकते हैं। इसके साथ ही आप अच्छा खासा रैंक कर सकते हैं और आप इंस्टेंट 1 से 2 महीने में न्यू वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको कोई सुझाव हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं।